अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विपिन कुमार पांडे शुक्रवार को ब्यावर के दौरे पर रहे। वार्षिक निरीक्षण के दौरान ब्यावर सिटी थाने पहुंचे एडीजी पांडे का सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी तथा थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर उनकी अगवानी की। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट, एसपी शहरी सुनील कुमार बिश्नोई तथा एसपी ग्रामीण वैभव शर्मा भी साथ रहे। सिटी थाना पहुंचने पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर एडीजी पांडे ने शहर के गणमान्य नागरिकों एवं सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। इस दौरान शहर के गणमान्य नागरिक एवं सीएलजी सदस्यों ने एडीजी पांडे का माला एवं साफा पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। बैठक के दौरान उपस्थित गणमान्य नागरिकों तथा सीएलजी सदस्यों ने शहर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा शहर की सबसे ज्यादा अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने पर सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी, थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा की कार्यशैली की प्रशंसा की। इस मौके पर एडीजी पांडे ने भी अपने ब्यावर में पदस्थापन के दौरान शहरवासियों के सहयोग तथा उनके द्वारा किए गए जनहित के कार्य भी साझा किया। इस दौरान उपस्थित सभी ने एडीजी पांडे से शहर में एक और थाने की मांग की, जिस पर उन्होंने कहा कि यह ब्यावर शहर की पुरानी मांग है। अब आबादी की दृष्टि से भी ब्यावर बड़ा हो गया है, इसलिए नए थाने की आवश्यकता को सही बताते हुए प्रस्ताव बनाकर जल्द ही सरकार से इसकी स्वीकृति लेने का विश्वास दिलाया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित गणमान्य नागरिकों के साथ यादगार हेतु एक ग्रुप फोटो सेशन भी कराया। इसके बाद एडीजी पांडे ने सिटी थाना तथा सीओ कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सिटी थाने की सभी व्यवस्थाओं पर पांडे ने सहायक पुलिस अधीक्षक चौधरी तथा सीआई जोधा की प्रशंसा की, साथ ही सभी व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया। इसके पश्चात एडीजे पांडे ने पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सर्किल में अब तक हुए अपराध तथा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के आंकड़ों की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने पुलिस के द्वारा वर्ष में किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने बताया कि शहर में अपराधों में भी कमी हुई तथा पुलिस ने शहर में हुई कई चोरियों की वारदातों का खुलासा किया, साथ ही क्षेत्र के फरार अपराधियों को भी पकड़कर पेंडेंसी में भी कमी की है। इसके पश्चात उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि आज उन्होंने ब्यावर सिटी तथा सीओ कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया है, जिसमें उन्होंने थाने की सभी व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया। पांडे ने कहा कि पुलिस के काम में रोजाना एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिनका वह डटकर मुकाबला करते हैं। उन्होंने कहा, आज के समय में पुलिसकर्मी कम संसाधनों के बावजूद अपना कार्य बखूबी से कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, जल्द ही थाने में और सुविधाएं मुहैया कराई जाकर थानों का और आधुनिकीकरण किया जाएगा। शहर में ट्रैफिक लाइट भी जल्द लगाए जाने की बात पर पांडे ने कहा। इस दौरान एडीजे पांडे ने सिटी थाना परिसर में वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान महेंद्र भूतरा, राम पंजाबी, मुकेश पंख, लालचंद दग्धी, दिलीप भंडारी, सतीश गर्ग, डॉक्टर रमेश तोलानी, सुरेश चौहान, आशीष पाल पदावत, राम यादव, शैलेश शर्मा, नरेंद्र पारिक, एडवोकेट विजय पारिक, निर्मल बंसल, श्याम सुंदर अग्रवाल, रमेश यादव, अतुल बंसल सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ब्यावर का जो इंस्पेक्शन था वो डिस्ट्रिक्ट अजमेर के इंस्पेक्शन का पार्ट था। साल में हर एक ज़िले को एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा जो मुख्यालय से डी जी साहब की तरफ से भेजे जाते हैं, अलॉट होता है हर एक ज़िला। इसके तहत अजमेर ज़िला मुझे इंस्पेक्शन करना था, तो कल मुख्यालय पर लाइन एसपी ऑफिस क्राइम मीटिंग ली गई थी और उसी के पार्ट के तहत आज एक सर्किल और एक एसएचओ करना होता है, तो उसके तहत ब्यावर सिटी सर्किल और ब्यावर सिटी का जो थाना है उसका इंस्पेक्शन रखा गया था। साथ में जो सीएलजी शांति समिति और जो हम पदस्थापन के दौरान जो हमसे परिचित लोग थे उनकी एक मीटिंग की गई, जिसमें एक दूसरे ने अपने साझा अनुरोध किए और कुछ सुझाव भी उनकी तरफ से आए कि ड्राइवर की पुलिस को आगे आने वाले समय में और क्या करना चाहिए। कुछ काम अच्छे हुए, उसकी प्रशंसा भी हुई, खासकर ट्रैफिक की काफ़ी लोगों ने प्रशंसा करी कि इन दिनों ट्रैफिक में काफ़ी सुधार हुआ है। और कुछ चीज़ें भी बताई, जैसे नए खाने की आवश्यकता बताई, तो उस सारी चीज़ों पर जो हमारे मुख्यालय के स्तर पर जो भी बन पड़ेगा उसके लिए हम प्रयास करेंगे ताकि ब्यावर में पुलिस प्रशासन का और भी अच्छा मजबूत संगठन बने और अच्छा काम हो। थाना पहले इसकी तुलना में उसका बिल्डिंग वल्डिंग काफ़ी साफ़ सुथरा और सुव्यवस्थित दिखा, और पिछले
चार पाँच महीने में जो मैंने देखे रिकॉर्ड में कि काफ़ी डिस्पोजल्स काफ़ी फास्ट किया है, चाहे मालखाने का हो, मुकदमे का हो। नए जो भी एसपी साहब आए हैं काफ़ी यंग एनर्जेटिक हैं, तो अच्छी टीम बनी है, तो ये प्रक्रिया और भी आगे रहेगी तो बेहतर लोगों को सुविधा मिलेगी।